बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज तक के वीडियो में हमने जोड़ना, घटाना, गुना, भाग को हमने समझा है, साथ ही साथ हम भिन्न संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है। बच्चों हम वर्ग, आयत और वृत्त के क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं और सममित आकृतियों के बारे में हमने अपनी समझ बनाई है। बच्चों इसके अलावा हमने मापन के इकाइयों को भी देखा और करीब से समझा है। पर बच्चों गणित यहीं तक सीमित नहीं है, गणित हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रचा बसा है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी गतिविधि करते हैं वहां कहीं ना कहीं गणित की क्रियाएं हो रही होती हैं। यहां तक कि हम अपने बोलचाल में भी गणित के शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, जैसे 9 दिन चले 2.5 कोस, 3-5 करना, 9-2-11 होना, कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में बानी, नहले पे दहला, 100 सुनार के 1 लुहार के, 32 ही निकालना, ऐसे ही कितने कहावतें और मुहावरे हैं जिसका उपयोग हम बात बात में करते हैं। तो चलिए फिर आज हम कक्षा 5वीं के अध्याय 21 में पढ़ेंगे पहेलियां व पैटर्न। बच्चों सीखने के प्रतिफल M518 के तहत हम जानेंगे संख्याओं के पैटर्न के बारे में और साथ ही साथ गणित के व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग होता है इसको भी हम देखेंगे। चलिए देखिए इस पहेली को क्या लिखा है, इसमें ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम इस पहेली को हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, छांट छांट छह सेब रसीले, बैठी टीचर लाके, एक सेब को टीचर काटे, चार चार सम फांके, हर बच्चे को टीचर देती दो दो फांके, जाके कक्षा में थे कितने बच्चे मुझे बताओ आके। तो क्या आप इस पहेली को हल कर पाएंगे? चलिए इसको हल करते हैं। इसके लिए आपको 6 सेबों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप कुछ और चीजों का उपयोग कर सकते हैं। आपके घर में बेर होगा तो बेर को भी आप सेब मानकर इस गतिविधि को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप 6 सेब देख रहे हैं, प्रत्येक सेब के हम कितने बराबर भाग करेंगे? 4-4 बराबर भाग करेंगे। तो देखिए हम प्रत्येक सेब को टीचर जो है वो 4-4 बराबर भागों में बांट दिए बच्चों यहाँ पर। अब क्या करना है हमको, प्रत्येक भाग को गिनना है, कुल कितने भाग हुए हैं। चलिए फिर गिनती शुरू कीजिए आप। एक सेब के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो 6 सेब के कितने भाग हुए आप यहाँ पर गिन लीजिए। जब आप गिनेंगे बच्चों तो इसकी संख्या कुल आ रही है 24, है ना। तो 24 बराबर भाग हुए हैं 6 सेबों के। अब टीचर क्या की है, दो दो टुकड़े एक एक बच्चे को दी है, है ना। तो चलिए यहाँ पर दो दो टुकड़ों में हम घेरा लगाते जाएंगे। ये 2 टुकड़े में एक घेरा लग गया, फिर 2 टुकड़े में एक घेरा लगाएंगे, फिर 2 टुकड़े में, फिर 2 टुकड़े में, फिर 2 टुकड़े में, ऐसे ही हम इस पूरे गतिविधि को आगे करते जाएंगे। फिर घेरों की संख्या को हम गिन लेंगे, कुल कितने घेरे हुए गिनिए वहां पर। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 घेरा ऊपर में है और 6 घेरा नीचे में है। इस प्रकार से कुल घेरों की संख्या हो गई 12। इसका मतलब यह है बच्चों उस कक्षा में कुल 12 बच्चे थे। ये तो हमने ऐसे ही हल किया, लेकिन गणित के बच्चे हैं हम, है ना, गणित में हमको रुचि है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इस सवाल को, इस पहेली को हम गणितीय विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे टीचर के पास कुल कितने सेब हैं? 6 सेब हैं। तो हम लिख लेंगे सेबों की संख्या बराबर 6। फिर एक सेब को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 4 बराबर भाग में, है ना। तो हम लिख लेंगे एक सेब के हिस्से बराबर 4, यहां पर 4 लिख लेंगे। तो बच्चों 6 सेब के कुल कितने हिस्से हुए, 6 सेब के कुल कितने बराबर हिस्से हुए? तो यहां पर आप क्या करेंगे, 4 गुना 6 करेंगे। 4 गुना 6 लिख लिए तो हम चलो भाई गुना कर देते हैं। तो आपको तो पहाड़ा याद ही है ना। तो आप 6 चौक 24, इस प्रकार से कुल टुकड़ों की संख्या हो गई 24। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये टुकड़ों की संख्या है, एक बच्चे को कितने सेब मिल रहे हैं, टुकड़े 2 टुकड़े मिल रहे हैं सेब के। तो हम एक एक बच्चे को 2-2 देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम भाग की क्रिया करते हैं। तो कुल सेब के टुकड़ों की संख्या है 24, उसको हम 2 से भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए यहां पर, 24 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग चला जाएगा, ये 12 बार में। इस प्रकार से आप उत्तर निकालेंगे कि प्रत्येक बच्चे को 2-2 टुकड़े मिले, सेब के टुकड़ों की संख्या थी 24,
तो उस कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 12 बच्चे। इस प्रकार से आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये पहेली आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए ये पहेली को हल करना आप सीख गए हैं, तो हम लेते हैं दूसरी पहेली। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंडे वाली कंडे लेकर एक कम पूरे 100। पहेली में ही इसका जवाब रहता है, आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। फिर से पढ़िए इसको, कंडे वाली कंडे लेकर एक कम पूरे 100, बेच रही थी गली हाट में 2 रुपए के 9, है ना। पूरे दिन में कितने रुपए पाए मुझे बताओ, अपनी माँ के तुम भी लाल कहो। तो भाई ये पहेली आप हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। हम सबसे पहले शुरू के लाइनों को ले लेते हैं। यहां पर एक कम 100 कहने का मतलब है बच्चों 100 में से एक कम, इसको हम लिखेंगे 100 ऋण 1। तो 100 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बचा 99। अब 99 को 9 9 के समूह में हमको बांटना है। क्यों बांटना है, क्योंकि वो 9 कंडे को 2 रुपए में बेच रही है। तो 99 कंडे में कितने 9 9 के समूह बनेंगे, इसके लिए हमको बांटना है। तो क्या करेंगे बांटते समय, बांटना मतलब भाग देना। तो कितने से भाग देंगे 99 को, हम 9 से भाग देंगे, है ना। भाग देना तो आता ही है आपको, चलिए भाग दीजिए 9 एकम 9 और फिर 9 एकम 9। या तो आप भाग को अलग से भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर तो आपको उत्तर आएगा 11। यानी कि 99 कंडों का 9 9 के समूह के लिए कितने समूह बनेंगे, को टोटल 11 समूह बनेंगे। अब 11 समूह बन गए आपके, तब आप क्या करेंगे, एक समूह का मूल्य कितना है, 9 कंडों के एक समूह का मूल्य है 2 रुपये। तो 11 समूह के मूल्य कितने हुए टोटल, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहां पर, गुना की क्रिया करेंगे। चलिए 11 समूह का मूल्य बराबर आप लिखेंगे 2 गुना 11 रुपये। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, कितना आया 22 रुपये। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इस पहेली का जवाब। यानी कि उस बुढ़िया को कुल दिन भर में घूमने के बाद सारे कंडे बेचने के बाद 22 रुपये प्राप्त होंगे, है ना मजेदार बात ये। तो ऐसे ही पहेलियां आप बनाएंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे और अपने बड़ों से भी पूछेंगे, तो आपको गणित पढ़ने में मजा आएगा। बच्चों आइए अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या लिखा है, लिखा है 3 बार 2 का प्रयोग करके 24 बनाना है, है ना मजेदार सवाल। चलिए दिमाग लगाते हैं, 3 बार 2 ले लेंगे, 3 बार 2 को लिख लेंगे इस प्रकार से। आप चाहे तो कागज के टुकड़े में अलग अलग 3 टुकड़े लेकर उसमें 2 2 2 लिख सकते हैं, और जमीन पर ही आप उसको अलग अलग जमा के देख सकते हैं। धन ऋण गुना भाग आपको जो भी लगाना है लगाइएगा, ठीक है। अब 3 बार 2 का प्रयोग करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखिए सोचिए, चलिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए 2 2 को लिख लेंगे एक साथ, कितना हो गया 22, है ना, और बीच में धन चिन्ह लगाए और 2 को लिख लिए। 3 बार 2 का प्रयोग होना यहाँ पर हो रहा है। अब जोड़िए इसको, 22 धन 2 बराबर कितना हो गया 24। आप कह रहे होंगे तो कितना सरल है, लेकिन हाँ शुरू शुरू में कठिन लगता है, जैसे ही आप इसको करने बैठेंगे सरल हो जाता है। ऐसे ही कुछ और अंकों को लेकर आप सवाल बना सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस सवाल को, 3 का 4 बार प्रयोग करके आपको 24 प्राप्त करना है, कैसे करेंगे चलिए सोचिए और कॉपी पेन निकालकर हल कीजिए। 3 का 4 बार प्रयोग करना है, तो हम कितने बार 3 लेंगे, 4 बार 3 लेंगे। अब इसको 4 बार प्रयोग करके 24 प्राप्त करना है, तो भाई आप सोचिए, गुना भाग धन ऋण जो भी प्रयोग करना है आप कीजिए और लाइए, आप स्वतंत्र हैं चिन्हों का प्रयोग करने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं, हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 और आखिरी में हमने लगाया ऋण 3। बच्चों आपको बता दें, जब गुना ऋण धन की क्रियाएं होती है तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया को करते हैं, उसके बाद गुना की क्रिया को करते हैं, फिर धन की क्रिया को, और सबसे अंत में हम घटाने की क्रिया को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ही चिन्ह है, गुना का और ऋण का। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, गुना के चिन्ह को हल करेंगे, और आखिरी में हम ऋण को चिन्ह को हल करेंगे। तो चलिए 3 3 9 और 9 3 27, 27 में 3 घटाएंगे, तो कितना आ गया उत्तर हमारा 24, जो हमको लाना था। तो ये सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसे ही और सवाल आप बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों,
इस सवाल को जो अक्सर आप समाचार पत्रों में भी देखते हैं और लोग आपसे अक्सर पूछते हैं। तो इन प्रकार के सवालों को हल करने के लिए भाई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, और जब आप दिमाग लगाएंगे तभी तो गणित की जीनियस कहेंगे, है ना। तो सवाल को देखिए क्या लिखा है। एक नाविक को एक लोमड़ी, एक बतख और भुट्टों को नाव से नदी के पार ले जाना है। समझ में आ रहा ना आपको, नाव और नदी दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही होगी, आप कल्पना कीजिए। लेकिन नाव एक बार में सिर्फ नाविक और बाकी तीनों में से एक को ले जाने की क्षमता रखती है, यानी कि उस नाव में केवल दो ही चीजें जा सकती हैं, एक नाविक खुद और वो तीनों में से एक, ठीक है। हाँ अब बताइए नाविक क्या करे कि किसी को दूसरे छोर पर ले जा सके, सभी को दूसरे छोर पर ले जा सके और यह सावधानी भी रखे कि लोमड़ी बतख को ना खा जाए और बतख भुट्टे को ना खा जाए, ठीक है। इस प्रश्न को आप दो तीन बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखिए आप एक नाव देख रहे हैं, एक तरफ कौन कौन है, लोमड़ी है, बतख है और भुट्टा है, नाविक आप बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर नाविक है नहीं, आपको ही एक पार से दूसरे पार ले जाना है, इसीलिए हम यहाँ पर नाविक नहीं रखे हैं, ठीक है। अब चलिए किसको ले जाएंगे सबसे पहले, आप दिमाग लगाइए इन तीनों में से। तो नाविक सबसे पहले ले गया बतख को उस पार, अब बतख को नदी के उस पार छोड़ के वो वापस आता है। अब नाविक जो है वापस आएगा बतख को छोड़ के, फिर बताइए किसको ले जाएगा इसमें से। यदि वो लोमड़ी को ले जाता है तब क्या होगा, लोमड़ी जो है बतख को खा जाएगी, इसलिए वह नाविक जो है वो भुट्टा को उस तरफ ले जाएगा। लेकिन समस्या ये है बच्चों कि भुट्टा को बतख खा जाएगी, इसलिए नाविक क्या करेगा, बतख को अपने साथ वापस ले आएगा इधर, और इधर बतख को छोड़ के लोमड़ी को ले जाएगा। अब लोमड़ी भुट्टा तो खाती नहीं है, यानी भुट्टा भी सुरक्षित और लोमड़ी भी उस पार पहुंच गई है। अब नाविक वापस आएगा अकेले, अब इसके बाद वो बतख को उस पार लेके जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार आप सारी क्रियाओं को ऐसे किए कि सभी सुरक्षित भी हैं और उस पार पहुंच भी गए, है ना। ऐसे ही और कई सवाल आप अपने मन से बना सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये गृह कार्य है आपका पहला और ये दूसरा गृह कार्य है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपने बड़ों के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से हल करिएगा। उम्मीद करते हैं ये पहलिया वाला सवाल आपको अच्छा लगा होगा और मजे लिए होंगे आप, ऐसे ही सवाल बनाकर आप बार बार हल करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो बच्चों इस पाठ का पहला भाग आज बस यहीं तक, मिलेंगे दूसरे भाग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।